ड्राइव करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है, जो ख़तरा रहता है, वो बाइक वाले से रहता है, क्योंकि वो कभी भी लेफ्ट से, राइट से और कट मार के आपके पास आ सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर बाइक की गलती है और आपके कार पे लगी है तो सब लोग आपको पकड़ेंगे, बाइक वालों को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बाइक गिरेगी और बाइक वालों को ज़्यादा चोट लगेगी, भले उसकी गलती है लेकिन पकड़ा आपको जाएगा। इसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत फंक्शन इसमें बता देता हूँ। अच्छी बात इसमें क्या है, अगर इसमें मेमोरी कार्ड करप्ट है या नहीं है तो ये आपको इंडिकेट करता है कि इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है या फिर मेमोरी कार्ड में एरर है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखिए ये दिखाता है कि प्लीज़ इंसर्ट मेमोरी कार्ड, और ये ऐसे इंडिकेशन करना शुरू करता है, जैसे आपको साउंड आ रही है ये बताना शुरू करेगा। तो इसमें फुटेज कभी भी मिस होने का कोई भी चांस नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको रिस्टार्ट होने देते हैं। देखिए अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। अगर सपोज़ किसी वजह से रिकॉर्डिंग बंद होती है तो ये आपको इंडिकेशन देता है, ये देखिए ये फ्लैश होता है और आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये आपको बताता है कि इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। प्लीज़ रिकॉर्ड का बटन दबाइए ताकि रिकॉर्डिंग शुरू हो सके और आपको जो फुटेज है कंटिन्यूस आपको मिल सके। और उसके बाद अगर आपको मेनू एक्सेस करना है इसका, तो रिकॉर्डिंग को हटाना पड़ेगा। इसमें मैं पार्किंग मोड को मैं इनेबल करता हूँ, ये देखिए रेजोल्यूशन वगैरह काफ़ी कुछ इसमें है, वीडियो फॉर्मेट भी मैंने चेंज कर रखा है। पार्किंग मोड पर हम जाते हैं, ये अभी ऑफ दिखा रहा है, और मैं इसको चेंज करता हूँ ऑटो इवेंट डिटेक्शन पे। इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ कि लो FPS पे ये रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन अब इसको ऑटो मोड डिटेक्शन पे मैंने डाल दिया है। ये देखिए पार्किंग मोड यहाँ पे आ गया। अब कोई भी मूवमेंट होती है इसके सामने, जैसे गाड़ी ऑफ है तब की बात है, अभी फ़िलहाल चलता रहेगा, और जैसे जैसे ये गाड़ी ऑफ होती है मैं गाड़ी को लॉक करके जाता हूँ, तो ये जैसे ही कोई मूवमेंट होती है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो इसमें मेन ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें है कि इसमें वाईफाई नहीं है, एक ही ड्रॉबैक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और उसके अलावा इसमें सब कुछ गुड टू गो है, इसमें GPS काम करता है, आपको यहाँ पे टाइम दिखाएगा और आपकी स्पीड वगैरह दिखाएगा, और कॉम्पैक्ट है, और इसमें जो बैटरी लगी हुई है कैपेसिटर है, तो बहुत ज़्यादा हीट तक वो काम करेगा, बहुत ज़्यादा हीट में भी काम करेगा, ये इसका पॉजिटिव है। उसकी दूसरी अच्छी बात है, यहाँ पे जो टच स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कहीं भी आपको टच करना है, जैसे कोई रिकॉर्ड मुझे सेव करनी है तो टच पे गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो फिज़िकल बटन दे रखे हैं कुछ दिनों में आप यूज़ टू हो जाएंगे। जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो रही है अगर इसको दबा दें तो वो रिकॉर्ड को सेव कर लेता है। और मेन्यू हो गया, अगर आपको म्यूट करना है यहाँ पे कर सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ, तो ये काफ़ी हैंडी होता है, मैं इसको लगा के भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो इसको पॉजिटिव बनाती हैं। तो इसका मैं जो फुटेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। फिट हो गया है, इसमें जो कनेक्शन है वायर का मैंने निकाल दिया, पहले भी बताया जो GPS लगा हुआ उसी में ही आपका चार्जिंग वायर जाता है, तो ये आप डिवाइस को निकाल के घर ले जा सकते हो इस तरीके से, तो ये इसमें प्लस है। और जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो इजीली आपको पता है कि बटन इसके वजह से आप यूज टू हो जाओगे, तो ये आपका रिकॉर्ड का है, ये आपका रिकॉर्डिंग करने का है, और जैसे कुछ इवेंट होता है तो ये सब ये म्यूट का है, आपको फिजिकल बटन की वजह से काफ़ी इजी होता है इसको एक्सेस करना। हार्ड वायर जो कनेक्शन है पार्किंग मोड के वो लगा रहे हैं, और ये हमारे नाजिम भाई जो इलेक्ट्रिशियन है, गाज़ियाबाद में आपकी शॉप है जी। गाज़ियाबाद में आपकी शॉप है, मैं नंबर आप लोग को दे दूंगा, जो भी गाज़ियाबाद दिल्ली वाले हैं इनको काफ़ी नॉलेज है गाड़ी के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, जो वायरिंग करनी है ये करनी है, तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। जो लाइट है हम लोग कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, हार्ड वायर्ड है, इसमें तीन वायर है दिखा दीजिएगा, इसमें ये जो है लाइट मेन करंट है, मेन करंट है लाइट बोलते हैं इसे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया, ये लगेगा इग्निशन पे। हमने क्या किया, हम यहाँ पे जो फ्यूज बॉक्स लगा रहा था यहाँ से हम कनेक्शन ले रहे हैं, है ना नजीम भाई जी, यहाँ से कनेक्शन लेंगे, फ्यूज बॉक्स से कनेक्शन लेंगे। और सबसे मेन बात, गाड़ी की वारंटी तभी वॉइड होती है जब आप वायर को काटते हो या पील करते हो, तो हमेशा ध्यान रखना गाड़ी की वायर काटना हो, इसलिए हम फ्यूज का यूज़ कर रहे हैं और हम अपना डैश कैम लगा रहे हैं। तो कनेक्शन में आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे होता है, और देखिए ये है चेक करने का तरीका कि इग्निशन ऑफ पे किस पे करंट है
और इग्निशन ऑन पे किस पे करंट है उससे हमें पता चलेगा कि किस फ्यूज पे हमें कनेक्शन देना है। ये देखिए अब जैसे ये है, ये इग्निशन का करंट है। हाँ। ये हाफ इग्निशन चालू हुआ। हाँ। आपका वो चालू हो जाएगा, आप बैठे होंगे या ड्राइविंग भी कर होंगे। हाँ। तो भी चालू रहेगा। हाँ। आपने इग्निशन ऑफ किया। हाँ। आपका मेन जो करंट है वो बंद हो जाएगा, जाएगा। आपका मोड उसके ऊपर चला जाएगा। हाँ। सेफ मोड पर, वो रिकॉर्डिंग वाला। हाँ, वो वायर येलो वाली हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा जो बिल्कुल लाइव हो, हमेशा करंट देता हो चार्ज निकालने के बाद भी। हम इस 15 एम्पेयर को करेंगे 20 एम्पेयर। अच्छा। और यहाँ से करंट लेकर उस पर डालेंगे। अच्छा। दूसरे ये हमने ये अलग से एक अडेप्टर लगाएंगे, फ्यूज अडेप्टर है, फ्यूज अडेप्टर। इसको लगा कर लेकिन मैं आपको समझा दूँ, यहाँ से तो इसका करंट लेंगे, इसमें चालू कर देंगे। अच्छा। और ये दूसरा साइड हमें अपने इस वाले तार पर जोड़ देंगे, ये जो कैमरे के लिए। अच्छा। इसको चला जाएगा। और यहाँ लेकिन याद रखें, इसको करना जरूरी है क्योंकि 15 एम्पेयर दिया है कंपनी ने अपना हिसाब लगाकर। अब हम इसमें एडिशनल ले रहे हैं इससे करंट, तो इसको हम कम से कम 20 एम्पेयर कर दें। तो एक बार बताओ ना नजीम भाई, जो 15 एम्पेयर दिया हुआ है, आपको पता है कि जितने भी फ्यूज सॉकेट है यहाँ से हमारा ECM से कनेक्शन रहता है, ठीक है। अब 15 दे रखा है, हम उसमें 20 का लोड डालने का इश्यू तो नहीं है ना, या फिर हमें एम्प्टी स्लॉट देखना पड़ेगा? क्योंकि ये तो हमें खुद पता है ना, 5 एम्पेयर हमारा ये बढ़ रहा है। 5 एम्पेयर प्लस कर। अच्छा, उसमें इतनी जगह होती है, वहाँ से निकल जाएगा। अच्छी खासी जगह। सब लोग पूछते हैं कि कनेक्शन कहाँ से किया है, ये देख लीजिएगा। साइड से हम लोग वायर निकालेंगे जो मेन प्लग हमारे डैश कैम पे फिट होगा। और ये नॉर्मल वायर नहीं है, ये हार्ड वायर किट बोलते हैं इसे, जो हमेशा आपके जो एक वायर है वो इग्निशन पे चलेगा और दूसरा वायर है वो आपके जब गाड़ी आप चाबी निकाल लेते हो कि इसको, उसके बाद उसमें हमेशा करंट रहेगा ताकि आपका बफर्ड मोड है वो आपका चलता रहे। बफर्ड मोड किस लिए काम आता है? अगर गाड़ी खड़ी की आपने पार्किंग पे लगा रखी है, किसी ने छेड़छाड़ की या कुछ भी किया, तो आपको पता चल जाएगा। मोशन डिटेक्शन है उसमें, गाड़ी हिलती है या फिर कोई आगे से मूव होता है आपके, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। ये पावर निकाल, पावर लगा रहे हो आप, तो ये निकाल दीजिएगा, ये वाली नीचे वाली। हाँ, मुझे फिटिंग देखनी है। वायर यहाँ से टकिन हुआ है और मुझे लगता है ना ये ऐसे जैसे शर्ट टकिन करते। हाँ बिल्कुल। यहाँ से टकिन होकर यहाँ गया और साइड में यहाँ पे हो जाएगा, और जितनी वायर है मैं नीचे खींच लेंगे। अच्छा, ये वायर लंबी तो चाहिए नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तो वही है निकलने वाले। हाँ, तो मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ। हाँ, इसको ब्लॉक कर दीजिए। एक काम कर सकते हैं ना नजीम भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा वायर इसके अंदर ही डाल दो। हाँ, क्या आप इसीलिए मैं कभी। हाँ, आपको चाहिए हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इसके अंदर तो बहुत जगह चली जाएगी, हो जाएगी, कोई इशू नहीं। ठीक है, काफ़ी आदमी बहुत ज़्यादा, थैंक यू। देखो बाहर से दिख तो नहीं रही, जाकर देखिए एक बार वायर बाहर से देख लेते हैं क्या वायर दिख रही है। नहीं, ठीक है, कोई वायर वगैरह नहीं दिख रही है, क्योंकि ऊपर जो ब्लैक है वो टेपिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ लिंक नाजिम भाई ने लगा दिया है। इसका मतलब अगर कोई भी इशू होता है, जो हमने डैश कैमरा लगाया, वैसे होता नहीं है, अगर कोई भी इशू होता है तो आपके जो यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है उसमें कोई इशू नहीं होगा, सीधे यहाँ पे जो फ्यूज़ है वो चला जाएगा। कितने एम्पियर का फ्यूज़ है इसमें नाजिम भाई? इसके अंदर 20 एम्पियर का। 20 में मैं कहता हूँ, देखिए अगर आप लोग को ढंग का काम कराना है तो अगर गाज़ियाबाद दिल्ली में भी हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, काम आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। देखो मैं जब भी आपको वीडियो बनाता हूँ, अगर नजीम भाई से किया होता मैंने काम, अगर वो अच्छा नहीं होता मैं वीडियो बनाता, मैं आपको पोस्ट नहीं करता। लेकिन जो काम अच्छा होता है वो आप लोगों तक तो पहुँचाना ज़रूरी है। आप तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा, मैं थम्सअप करना चाहूँगा नजीम भाई के काम को। अगर किसी को काम कराना है, अगर आपको काम अच्छा नहीं लगे तो आप मेरे कॉमेंट पर मुझे बता दीजिएगा और कि काम अच्छा नहीं लगा। ये देखिए दोनों फ्यूज़ साथ में लग गए, मतलब एक नीट लुक हो गया, वायर भी कनेक्शन हो गए। अब इसको हम टक इन कर लेंगे और जो जो हमारा वोल्ट है उसको 12.2 पे रखा हमने, ताकि कल के दिन अगर बैटरी की वोल्टेज कम होती है तो आपका ये बैटरी ड्रेन नहीं करेगा, ये ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। कनेक्शन हमारी नीट वगैरह हो गए, टक इन कर दिया हमें नाजिम भाई ने, यहाँ पे कनेक्शन ऊपर फिट हो गए तो ये हार्डली विजिबल होगा, दिखेगा भी नहीं। और जो हम ये अडाप्टर है उसको 12.2 पे करें, उससे कम में सेट करें नाजिम भाई। 12.2 पर ठीक रहेगा ना। जो वोल्टेज हमने अभी सेट किया हुआ है वो है तुम्हारा, ये देखिए वोल्टेज है, इसको हम कर देते हैं 12.2 पे। इसका मतलब
अगर जैसे टॉप पेन टू आपकी बैटरी की वोल्टेज पहुंचती है तो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। अगर चाहो तो आप 12 वोल्ट पे भी रख सकते हो ताकि आपकी ताकि आपकी बैटरी बचे। तो इसको ऐसा करते हैं फॉर द टाइम बिंग उसको 12 वोल्ट पे हमने रख दिया। और एक एक्सेसिबिलिटी और हुई हमारी, अगर वोल्टेज चेंज करना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बस ये देखिए इसको बस इसको निकालना है हमें और वहाँ से हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। अच्छा फाइनली डैश कैम लग चुका है और इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे रखी है जैसे कि आपको दिख रहा है। और जैसे मेरी सीटिंग पोजीशन ये है तो मुझे ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो ये अच्छी पोजीशन पे लगा हुआ है। और इसको हार्ड वायर भी कर दिया है, जो बफर पार्किंग मोड है कैसे चलता है वो भी मैं दिखा दूँगा। तो डैश कैम यहाँ पर लग चुका है, गाड़ी अभी ऑन है, तो मैं भी क्या करने वाला हूँ कि गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ, बफर जो पार्किंग है इसकी वो हम चेक करेंगे। और ये जो अभी दिख रहा है ये है टाइमलेस पार्किंग मोड, आपकी मेमोरी कार्ड पे बहुत कम जगह लेता है। और जो नेक्स्ट आपको ये दिख रहा है ये है लो एफपीएस पार्किंग मोड, ये भी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते रहता है लो एफपीएस पे, ये भी मेमोरी कार्ड पे बहुत कम जगह लेता है। और जो अभी आपको दिख रहा है ये है क्वालिटी नाइट की, काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है। और जो ये अब आपको दिख रहा है ये है डे की क्वालिटी, जो काफ़ी अमेजिंग है। अगर मैं ट्रैवल पे जाता हूँ तो ये फुटेज मैं अपने वीडियो पे ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ इनको। तो यही था वीडियो आज का, कल मैं निकल रहा हूँ देहरादून की तरफ, करीब 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर का अप एंड डाउन होगा। तो मैं जो डीजल है निक्सॉन का माइलेज वगैरह और ड्राइवेबिलिटी सब कुछ शेयर करूँगा बहुत ही जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड, आपसे फिर मुलाकात होती है दोबारा किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर सर, बी सेफ, बी हम्बल, बी हेल्दी, बाय बाय।